हूं कि ए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर क्या हो जाता है, लगभग 96.48 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, यदि आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है जिसे हम किलो जूल पर मोल में चेंज कर सकते हैं, यदि किलो जूल पर मोल में है तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एटम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 96.4 किलो जूल पर मोल हो चुका कैसे होगा। ठीक है बाबू, बहुत आसान चीज है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.60 में क्या होता है 10^-19 जूल होता है। ठीक बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 1.60 में 10^-19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख लेते हैं 1.602 में 10^-3 पर एटम है बाबू, तो एटम नीचे आएगा। ठीक है, तो अब आप जानते हैं क्या एवोगाड्रो कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या एक मोल में कितने एटम होते हैं बाबू 6.022 में 10^23 एटम किसमें कितने का होता है बाबू एक मोल में होता है। ठीक है, तो एक एटम में कितने मोल हो जाएंगे 1/Avogadro कांस्टेंट वाला 6.022 में 10^23। ठीक है, एक एटम में, ठीक है, तो हम एक एटम के जगह पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1.602 में 10^-3। ठीक है, पर एटम ना, तो एक एटम कितना होता है 1/6.022 में 30 मोल ना, 1/ इसे कर दीजिए 10^23 मोल इसमें। अब आइए आगे देखें इसका कैलकुलेशन आगे कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको और इसको यदि गुना कीजिएगा तो लगभग आ जाता है 96.44 गुना कैलकुलेशन चेक कर देते हैं कितना आता है, जूल पर मोल। ठीक है बाबू, कितना आ गया 96.472.44 जूल पर मोल आ गया। ठीक है बाबू, तब इसे हम क्या कर देते हैं किलो जूल पर मोल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेंगे एक चीज और आप जानते हो क्या, एक किलो जूल में क्या होता है 1000 जूल होता है। ठीक है, तो जूल पर मोल ना इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से जैसे ही आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 96.472 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसे 96.472 को ही क्या लिख सकते हैं 96.48 किलो जूल पर। ठीक है बाबू, चलिए ये तो हो गया क्या कि आखिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को मापेंगे कैसे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं।